एक मंच है, उस पर मकान का आंगन का दृश्य हमें दिखाई देता है। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है, पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंच पर एक मकान का दृश्य है, वो भी आंगन का जो बाहर रहता है, उस आंगन का ही दृश्य है। गरीब ब्राह्मण का घर है, घर किसका है बच्चों? गरीब ब्राह्मण का है, और उस घर में जो लोग थे वो सब बैठकर रो रहे थे, चारों उदासी। वहां की जो स्थिति कैसी है, उदासी से भरी हुई है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं, पर्दा उठता है और पर्दा उठते ही सब लोग रोते रोते बात करने लगते हैं। ब्राह्मणी, तो पहला ब्राह्मणी का जो बात है इस प्रकार है, रोकर रोते हुए कहती है कि मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर पहला जो वाक्य है वो ब्राह्मणी का है, और वो रोते रोते कहती है कि तुम मुझे जाने दो, मैं जाना चाहती हूँ और तुम मुझे जाने की इजाजत दो, बच्चे तो बड़े हो गए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हुए हैं, बड़े हो गए हैं, उन्हें तुम आसानी से संभाल सकते हो, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, इस तरह से ब्राह्मण कहते हैं। तब ब्राह्मण ब्राह्मण बोलता है कि नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है, तू चली जाएगी तो घर में क्या करेगा। तब ब्राह्मण बोलता है कि नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती हो, जा सकती है, तू ही गई तो इस घर में और क्या बचा है, इस तरह से बोलता है। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, फिर बेटी का विवाह हमें करना है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब बोलता है ब्राह्मण, बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, वो तो बहुत ही छोटे है, फिर बेटी का विवाह हमें करना है, उन्होंने बेटी भी रखी है, उसका विवाह अभी करना है तुझे, इसलिए तुम नहीं जाना, मैं ही जाऊंगा, इस तरह से ब्राह्मण बोल रहा है। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी। फिर से ब्राह्मणी बोलती है कि तुम कैसे जाओगे, तुम ही गए तो घर का सहारा ही चले जाएगा, तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ, इस तरह से बोलने लगती है लड़की। अब उन्हें एक लड़की रहती है, अब लड़की का बातचीत है, माँ ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। यहाँ पर लड़की बोलती है कि माँ ना तुम जाओगी ना पिताजी को जाने दोगी, मैं ही जाऊंगी, इस तरह से बोलती है। कहाँ जाना है वो तो नहीं बताया बच्चों, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण भी बोलता है मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी भी बोलती है मैं जाऊंगी, बाद में यहाँ पर अंत में लड़की भी बोल रही है कि माँ नहीं जाएगी, बाप भी नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगी, इस तरह से बोलती है ब्राह्मणी। मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है, जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। अब ब्राह्मणी बोल रही है कि मेरे होते होते मेरे बच्चे मरने के लिए जाए, ये कैसे हो सकता है, हे भगवान मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो, यही देखने की बाकी थी, इस तरह से वो रोते रोते बोल रही है। और तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते, उसी वक्त बाहर कुछ लोग आते हैं, उसमें से कुंती और भीम वहां पर थे। कुंती, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो। अब कुंती बोलती है कि वो बाहर से आकर देखती है इन्होंने ये सब लोग रो रहे थे, और कुंती बोलती है कि क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है, इस तरह से कुंती पूछने लगती है। भीम कहता है कि कहाँ जाना है तुम्हें, क्या मुद्दा, वहां पर भीम भी है कुंती के साथ। भीम बोलता है कि आप लोग कहाँ जाना है, के आप क्या विपदा आ गई, आपको इतने ऐसा क्या संकट आ गया है, क्या कष्ट आ गया है, कहाँ जाना है आपको, इस तरह से बोलता है। कुंती फिर से बोलती है कि अरे भाई
हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। अब कुंती बोलती है, अरे भाई क्या हुआ है, कुछ तो बताओ, कोई तो बताओ, इस तरह से पूछ रही है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। भीम, हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, वो फिर से बोलने लगा, इतना क्यों रोते हो, अब तो रोना बंद करो, अब क्या बात है उसे सही तरीके से बताओ। इस तरह से भीम बोल रहा है। ब्राह्मण, बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल ये चली सीएक चक्री नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रह गई है कि जाने का नाम नहीं लेती, मेरा तो बुलावा आ गया। अब ब्राह्मण ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया, वो भी बोलने लगा कि भीम से बात क्या है, क्या बताऊँ, मेरा भाग्य फूट गया है, मेरा नसीब भी बराबर नहीं है, मेरा भाग्य भी फूट गया है, इससे मैं ब्राह्मणी से, का मतलब है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी से कहते रहा कि मैं इस एक चक्री नगरी को छोड़कर कहीं दूर चलेंगे, लेकिन ये सुनने की बात ही नहीं कहती, वो नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो इसी मिट्टी में जमी है, इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरा तो बुलावा आ गया। ब्राह्मण को बुला रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी होकर भीम से इस तरह की बात कर रहा है। कुंती, कहां से बुलावा आ गया, कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तब कुंती बोलती है कि बुलावा कहां से आया है, कुछ सही तरीके से बताओ, तुम्हारा दुख का कारण क्या है, कारण निकालेंगे। इस तरह से कुंती बोलती है। तब ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तब ब्राह्मण कुंती को बोलता है कि हाय बहन, क्या बताऊं, तुम तो मेरी अतिथि हो, हमारे घर जो आई हो तुम अतिथि हो, अतिथियों को अपने दुख से कभी दुखी नहीं करना चाहिए। तरह से ब्राह्मण बोलता है कुंती, तब अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ, बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात। तब कुंती बोलती है कि अच्छा तुम बताने को तैयार नहीं हो, ना बताओ, मैं अब अपनी बेटी से पूछती हूँ। इस तरह से बोलती है, यहाँ पर बेटी का मतलब है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी को वो अपने बेटी समझ कर बोलती है कि इस तरह से मैं अपनी बेटी से बताए। बता क्यों नहीं देते, ये परदेसी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। तब ब्राह्मणी अपने पति ब्राह्मण से बोलती है कि अजी आप क्यों पता नहीं देते, वो क्या क्या हुआ है वो सब बता दीजिए, क्योंकि उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता, ये लोग तो अजनबी है, अभी अभी आए हुए, इन्हें तो राक्षस कुछ नहीं पता, इसलिए आप ही उन्हें सब बता दीजिए। इस तरह से बोलते हैं। ब्राह्मण बोलता है कि हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। अब जाकर ब्राह्मण उस राक्षस के बारे में बोलने लगता है कि उस राक्षस का नाम है बक बकासुर, हम लोग उसे बक कहते हैं। इस तरह से बोलता है इसके बारे में भी, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है। तब भी बोलता है वो, तो उसका नाम तो बकासुर है क्या, तो वो क्या करता है, इस तरह से पूछता है। ब्राह्मण बोलता है कि करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। तब ब्राह्मण ने वो कहा कि वो क्या करता है, इस नगरी का जो एक चक्री नगरी है हम लोग वास करते हैं, इस नगरी की रक्षा करता है वह राक्षस। ऐसा कहते हुए तब कुंती बोलती है, राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो,
गया है, यदि भी वो कुछ देती है। तब ब्राह्मण बोलता है कि ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। तब ब्राह्मण का एक उत्तर आता है कि नहीं बहन, हमारे से कुछ भी अपराध नहीं हुआ, भी तुम पहेलियां बुझा रहे हो। अब भी बोलता है कि तुम पहेलियां बुझा रहे हो। पहेलियां बुझाना शब्द में है जो घुमाओ फिराओ की बात करना। तो भी को लगता है कि ब्राह्मण घुमाओ घुमा फिराओ की बात कर रहा है, हमसे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो इस तरह से बोलता है और कहता है कि तुम सही तरीके से बोलो, घुमा फिरा कर बात मत करो, इस तरह से बोलता है। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, क्या यहाँ कोई राजा नहीं है। तब भीम का एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो वो राक्षस कौन था, वो राक्षस नगरी की रक्षा करता है, क्या कोई यहाँ पर राजा नहीं है, क्योंकि राक्षस की नगरी का रक्षा करता है तो राजा का काम क्या है, कोई राजा नहीं है क्या, इस तरह से सवाल करता है। तब जाकर ब्राह्मण बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है, उसको दबाकर असली राजा बन बैठा है, वही हवा हमारी रक्षा करता है। अब ब्राह्मण बोलने लगता है कि बेटा, तुम्हें मैं सब कहानी बताता हूँ, क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में पूरा कहानी बताता हूँ और तुम सुनते जाना। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बहुत ही दुर्बल राजा है, बस उसे क्या मालूम है, गद्दी पर बैठना, खाली बैठना उसे मालूम है, लेकिन यहाँ पर जो उसका अधिकार है वो चलाना उसे नहीं आता, उसको दबाकर वह असली राजा बन बैठा है। तो जो असली राजा जो है वो है राक्षस है, यहाँ पर राजा तो राजा नहीं है, असली राजा तो राक्षस हुआ है, राजा को वो दबकर बैठ चुका है, वही हवा हमारी रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वो अब राक्षस ही राजा बन गया है, हम सबकी रक्षा भी वही करने लगा है। तब भीम बोलता है फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। अब भीम को कुछ मालूम हो रहा है, वो बोलता है कि राक्षस तो आपकी रक्षा करता है, उसके बदले में आप लोगों से कुछ मांगता होगा, इस तरह से पूछता है। ब्राह्मण बोलता है कि हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, दो पैसे और एक मनुष्य लेता है। तब ब्राह्मण बोलता है कि हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है, रक्षा करता है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे कुछ मांगता है, वो भी ऐसी वैसी चीज नहीं है, वो है एक गाड़ी अन्न, रोज हर रोज उसे चाहिए एक गाड़ी अन्न, दो भैंसे और एक मनुष्य खाने के लिए उसे चाहिए। भीम प्रश्न पूछता है, रोज रोज खाता है ये सब भी, इस तरह से पूछता है। ब्राह्मण बोलता है कि हाँ बेटा, रोज देता है, नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांधी है, जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। तब जाकर ब्राह्मण बोलता है कि हाँ बेटा, रोज चाहिए उन्हें, रोज खाता है और इस नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बारी बांधी है, जब जिसकी बारी आती है वो उनके घर से ये सब भी वो बेचता है और उस राक्षस को खाने के लिए दे आता है भी। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है, अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था। अब भीम को सब समझ में आ रहा है और वो ब्राह्मण से कहता है कि तो आज तुम्हारी बारी है, इसलिए तुम्हारे घर में सब रो रो रहे हो, पहले ही क्यों नहीं बताई मुझे, इस तरह से बोलता है ब्राह्मण। सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगतते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्य को एक साथ खा जाए। तब जाकर ब्राह्मण बोलता है कि सब लोग अपनी अपनी बारी आने पर उसे सही तरीके से भुगतते हैं, नहीं तो वो
हजार लोगों को ऐसे ही एक साथ खा जाता है, सारे नगर को नाश कर देता है। इस तरह से रोते रोते ब्राह्मण बोलता है भी। और जो कोई अपनी जगह पर दूसरा आदमी बेच दे, अब बाप बीन भी बोलता है कि उस घर में जो सदस्य है उस घर के सदस्य को छोड़कर कोई और एक अन्य मनुष्य को बेचने पर क्या होता है। आदमी को बेचने पर इस तरह से बोलता है ब्राह्मण, हाँ बेच सकता है, उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हाँ बेच सकते हैं, लेकिन उस राक्षस को तो रोज एक आदमी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, उनके जो सदस्य है उनके घर में जो आदमी है उन्हें छोड़कर कोई दूसरे आदमी को खरीद कर ले आते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी मिलते भी है? कुंती बोलती है कि यहाँ पर जो आदमी है उसे उन्हें बिकाते हैं क्या, यहाँ पर आदमी मिलते हैं? वो आश्चर्य से पूछने लगती है। ब्राह्मण, हाँ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता। ब्राह्मण बोलता है कि हाँ बहन बिल्कुल मेरे पास धन नहीं है, रुपये पैसे नहीं है मेरे पास, होते तो मैं क्या करता था, मैं भी एक कहीं से आदमी खरीद कर ले आता और उस राक्षस को दे आता था। भी बड़ी अजीब नगरी है यहाँ, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। अब इनको सारा हिस्सा मालूम आ रहा है और उसे समझ में आ रही है कि यहाँ की जो यहाँ ये नगरी जो है बहुत ही अजीब बहुत ही विचित्र नगरी है, क्योंकि यहाँ आदमी बिकते हैं, आदमी को पैसे देकर धन देकर बिकाते हैं। मालूम होता है कि यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं, प्रेम और एकता की कमी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रेम से एकता से रहते तो सब मिलकर उस राक्षस को भगा सकते थे, मार कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा। कुंती, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? कुंती कहती है कि इस तरह से आप लोग देते देते अन्न भैंसे और मानव को देते देते कितने दिन तक उसे राक्षस का पेट भरोगे? इस तरह से वो पूछते हैं ब्राह्मण। यह तो कोई सोचता ही नहीं। अब ब्राह्मण बोलता है कि इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, सोचता भी नहीं है, जब जिसकी बारी आती है वो तभी उसे ध्यान आता है। जिसका जिसके घर की बारी आती है तभी सबको मालूम होता है, इसके बारे में ध्यान आता है, बस वो पीटकर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। कुछ दिन रोते हैं पीटते के बाद में वो भी सब्र कर लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। इस तरह से ब्राह्मण बोलता है। भी कब से ऐसा होता आ रहा है? तब भी बोलता है कि पूछता है कब से ऐसा होता आ रहा है, कितने साल हुआ? ब्राह्मण, पिछले 40 वर्षों से। अब ब्राह्मण का उत्तर था कि पिछले अगले 40 वर्षों से यही आ रहा है, यही क्रम से राक्षस सबको खा रहा है। भीम हंसते हुए बोलता है, बड़े बहादुर हो तुम लोग, अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पार पड़ा सकता हो, अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। उसे हंसी आ रही है। भीम को हंसते हुए बोलता है कि अरे रे रे 40 वर्षों से आप लोग ये सब सहते आ रहे हो, क्योंकि एक भी ऐसा आदमी यहाँ पर नहीं पैदा हुआ जो राक्षस को मार कर आए, जो उस राक्षस को पाट पड़ा सकता हो, अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। अगर आप सब लोग मिलकर हिम्मत करते तो उस राक्षस को कभी मार सकते थे, लेकिन आप लोगों में से हिम्मत नहीं है। ऐसे हंसते हुए भी बोलता है। अब कुंती कहती है कि सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो खाओ पियो जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम
तुम्हें से कोई नहीं जानेगा। अब कुंती बोलती है कि ब्राह्मण से कहती है, सुनो भाई, तुम अपने अपने काम करो, अंदर जाओ, कुछ खाओ पिओ, आप सब लोग रो रहे होंगे, यह अच्छा बात नहीं है, आप लोग अंदर जाइए, कुछ खाओ पिओ। और ब्राह्मणी से कहती है कि बेटी, तुम अंदर जाओ, रसोई में कुछ बनाओ और इन सबको कुछ खिलाओ। इस तरह से वो बोलती है, कल तुम्हें से कोई नहीं जाएगा। उसके साथ साथ कुंती कहती है कि कल जो आपकी बारी है, लेकिन तुम्हें से, तुम्हारे घर में से कोई भी नहीं उस राक्षस के पास जाने वाला है। इस तरह से बोलती है। ब्राह्मण बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाने। ब्राह्मण बोलता है, कुछ सवाल पूछता है कि क्या क्या कह रहे हो बहन तुम, हम में से कोई नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो कुंती बोलती है, मैं सही कह रही हूँ, तुम में से, आप में से कोई नहीं जाने वाला है। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा, ब्राह्मण का प्रश्न था, हम में से कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। कुंती, मेरा बेटा, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं नाम। तब कुंती बोलती है, मेरा बेटा जो है वो जाएगा, क्योंकि मेरे 5 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा भी है, वही जाएगा। ब्राह्मण सत्कार, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी को और तुम्हारा बेटा जाए। अब ब्राह्मण बोलता है, वो ऐसे ही तत्काल से बोल देता है कि नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो हमारी बारी है, हम ही जाएंगे, आप तो हमारे अतिथि हो, तुम्हारा बेटा नहीं जाने वाला है। कुंती, अब तुम चुप रहो, क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना। कुंती ब्राह्मण से बोलती है कि आप लोग चुप रहिए, और बेटे को देखते हुए बोलती है कि भीम को देखते हुए, क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना। भीम, तैयार, माँ जब से बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं फड़क रही है, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। तब भीम बोलता है, तैयार हूँ माँ, क्योंकि जब से मैं उस बकासुर का नाम सुना है, मेरी भुजाएं तो फड़फड़ा रही है। करने के लिए तैयार हूँ, उस राक्षस को मैं मारना चाहता हूँ और उसके वध करना चाहता हूँ। इस तरह से अपने माँ से बोलता है, और मैं बहुत उतावले से, मैं बेचैन से यहाँ पर मैं उसको मारने के लिए देख रहा हूँ। जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा, जहाँ भी होता है वहाँ कोई राक्षस किसी मनुष्य को नहीं सता सकता है। इस तरह से बोलता है। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा, इसे सुना बहन, तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। कुंती कहती है कि तुमसे यही आशा थी बेटा, और सुना बहन, आप तुम अंदर जाओ और कुछ खाने के लिए बनाओ, खुशी खुशी से आप लोग अपने अपने काम कीजिए, कल तो मेरा बेटा ही जाएगा। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें। अब ब्राह्मणी को भी मन नहीं मान रहा है, और वो बोलती है, नहीं बहन, नहीं, यह कैसे हो सकता है, यह हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो पाप है, हमारा जो बारी है और आप उसे भुगते, यह तो सरासर पाप है। इस तरह से ब्राह्मणी बोलती है। अब कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। कुंती कहती है कि ओहो, तुम क्या समझते हो, मेरा बेटा तो, मेरे बेटे की बारे में आप लोगों को कुछ मालूम नहीं, यह बहुत ही बड़ा वीर है, बहुत ही शक्तिशाली है, किसे मालूम उस राक्षस को मार कर ही क्यों ना आए। इस तरह से बोलती है। ब्राह्मण तब राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मण बोलता है कि
ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। तब जाकर ब्राह्मणी बोलती है मुंशी से, तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है बहन, भगवान ही उसकी तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की उसके उनके घर में एक लड़की थी, अब वो लड़की आकर कुछ बात करना चाहती है और बोलती है कि बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। कुंती से वो कहती है कि बुआ बुआ तुम बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि हमारे घर में किसी को जाने नहीं दे रही हो, इसके अलावा आपने बेटे को बेटे बेटे को ही बेच रही हो। कुंती हंसती हुई पगड़ी जा रसोई में माँ की मदद कर और बीन तू जा कल की तैयारी कर। कुंती हंसते हुए बोलती है कि उस लड़की को, तुम तो पगड़ी हो, जा रसोई में माँ की मदद कर, माँ को कुछ आँख बटाओ माँ की मदद कर। और बीन को बोलती है तू जा बीन, तू जाकर कल की तैयारी करना। कल की तैयारी का मतलब है उस राक्षस को किस तरह मारना है, उसका वध कैसे करना है, इसके बारे में तुम सोच कर रखना। बीन वो भी बोलता है चलो माँ, चलो माँ हम दोनों जाएंगे। वे तीनों एक और अंदर तथा बीन और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। यहाँ पर वे तीनों एक और अंदर जाते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसकी उनकी बेटी, तीनों भी अंदर जाते हैं और कुंती और बीन वो एक तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो पहला दृश्य है मंच पर, जो ये गरीब ब्राह्मण का आंगन का दृश्य, यह दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर एक पर्दा गिरता है। तो ये रहा बच्चों पहला दृश्य। तो दूसरा दृश्य क्या है? अब तक तो आपने पहला दृश्य के बारे में जानकारी हासिल की, अब यहाँ पर दूसरा दृश्य है, चलिए उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मंच पर जंगल का दृश्य, यहाँ पर मंच पर क्या हुआ है, एक जंगल का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। बकासुर का मकान दिखाई देता है किले जैसा, पर्दा होने पर भी मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। बीन चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। तो यहाँ पर जंगल का एक दृश्य है मंच पर, उसके साथ साथ बकासुर का मकान भी दिखाई दे रहा है। मकान किले जैसा है, देखने में किले जैसा है, क्योंकि वो तो एक राक्षस का मकान था। और उसके साथ साथ पर्दा उठने पर भी मस्ती में इधर उधर घूम रहा है, चिल्ला रहा है और बीच बीच में जो अन्न लाया था साथ में एक गाड़ी अन्न आया था, उस अन्न को लेकर वो फांकते मुट्ठे मुट्ठी भर भर के वो फांकता है मतलब है खाता है, मुट्ठी भर भर कर खाता है। यह दृश्य हमें दिखाई देता है, यहाँ पर आप लोगों की किताबों में यह दृश्य हम देख सकते हैं बच्चों। अब भी हो हा 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 हंसना हो, अब भी तो यहाँ पर जोर जोर से हंस रहा है कि हो आहा, इस तरह से बहुत ही जोर से हंसता है बकासुर। इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा जीवन की है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वहाँ। वहाँ पर बकासुर अंदर से वो बोलता है कि उसे सुनाई दे रहा है कोई आदमी जोर जोर से हंस रहा है, और वो बकासुर को लग रहा है ये कौन सा आदमी है, बहुत शोर कर रहा है, बहुत अजीब आदमी है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो डरते डरते आते हैं, लेकिन ये डरने के बजाय हंसता हंसता हुआ आ रहा है। तो चलो देखता हूँ कौन है वो आदमी और इतना धैर्यशाली। भीम अन्न खाकर ये हाँ लाला खाना खा गाना गा, और भीम एक तरफ से अन्न खा रहा है एक ओर से, और दूसरी ओर से जोर जोर से हंसते हंसते बोल रहा है खाना का गाना का, ऐसे बोल रहा है बकासुर। ए तू कौन है, कोई जवाब नहीं देता। तो वह सामने आता है, ये गधे मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है, कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट सुनता नहीं, भी उसी तरह चिल्लाता हूँ
हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तुमने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर? अब वो जोर जोर से बोल रहा है, कौन है तू? भीम से पूछ रहा है, कौन है रे तू, कहाँ से आया है? एक गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ। और गधा भी कहता है भीम से, बकासुर तू कौन है? लेकिन वो नहीं जवाब देता और फिर से बोलता है, दुष्ट सुनता नहीं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इस तरह से, अरे बदमाश, क्या तुमने बकासुर का नाम नहीं सुना? मेरा नाम तुमने नहीं सुना? तुम इस तरह से हंस रहे हो, गाना गा रहे हो, मेरा जो खाना है, अन्न जो है, वो भी खा रहे हो। भीम एकदम से बकासुर को कहा है, बकासुर। अब भीम बोलता है, एकदम से जोर से बोलता है, बकासुर कहाँ हो तुम, कहाँ है बकासुर? कहता है बकासुर, मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा? तो मैं हूँ बकासुर, अब मुझे बताओ तुम मेरे लिए भोजन खा रहे हो और तुम खा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? भीम, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठे में तू मुझे भगाता है, अबे तू तो भैंस जैसा है। अब भीम बोलता है, अरे अरे तू बकासुर है, बड़ा झूठ बोलता है रे तू, क्योंकि तू तो देखने में, सुन, देखने में तो भैंस जैसा है। और बाद में बकासुर जबान संभाल कर बोल, तो बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंस कहाँ है? बकासुर को गुस्सा आया और वो जोर जोर से बोलने लगा कि जबान संभाल कर बातें कर, तो बकासुर के सामने बोल रहा है, मेरी भैंस कहाँ है? दो भैंसे भी लानी थी, वो कहाँ है? भीम, एक तो तू है, एक मुझे समझ। और भीम व्यंग्य में कहता है कि एक तो तू भी भैंस जैसा है और दूसरा भैंस मुझे समझ ले, मैं भी देखने में भैंस जैसा ही हूँ, इसलिए एक तू भैंस है और दूसरा मैं हूँ। भीम, एक तो तब अट्टहास से, बकासुर हो दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, साबुन ना चबा गया तो अरे अरे तू तो बहुत दुष्ट है, तू ऐसा नहीं मानने वाला, तुझे तो मैं पूरा का पूरा खाता हूँ, तुझे बहुत अच्छी तरह से पाठ पढ़ाता हूँ, अभी आता हूँ। इस तरह से जोर जोर से बोलता है भीम। आने को क्या है? हाँ, कुश्ती लड़ेगा। हाँ लड़, दोनों कुश्ती लड़ते हैं, शोर मत कर, अब बोल दबाओ गला। चिंता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी दो भैंस एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब का? मारता है, ये सुनता है, बक चीख है, चिंता है, बीमा टहास करता है। अब दोनों में से बातचीत चलते हैं, बहुत जोर जोर से वो दोनों चीखने लगते हैं कि अब भी बोलता है कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने वाला है, चल मेरे साथ तो चल कुश्ती लड़, लेकिन शोर मत कर, ऐसे ही कुश्ती लड़ना, चिंता क्यों है रे तू, चिंता भी नहीं, 40 साल से तू खा रहा है, एक आदमी दो भैंस और एक गाड़ी रोज खा रहा है, कहाँ गए वो सभी? तुम्हें हिम्मत भी नहीं है, कहाँ है वो सभी? इस तरह से जोर जोर से वो चीख रहा है। अब ये सुनता है बक चीखता है, भीम अट्टहास करता है, बक जोर जोर से चीख रहा है और भीम अट्टहास से वो हंस रहा है। अब ये चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रह, अब ये सुनता नहीं। और भीम बोलता है, क्यों चीखता है? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम चुपचाप खड़े रहो, मत चीखना। इस तरह से जोर जोर से बोलता है, बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट आती है। अब तो भीम मारने लगता है, बक जोर से चीखता है, भीम उसे आंख को मारता है और उसकी आंख फट जाती है।
ले जोर से धरती पर पटकता है। इतना ही नहीं, बकासुर को उठाकर जोर से धरती पर भी पटक देता है। अभी तेरे दो टुकड़े किए देता हूँ, और बोलता है कि तू जो ये काम है तुम्हें मैं दो टुकड़े करकर फेंक देता हूँ, छील देता हूँ। एक भयंकर छींक के साथ राक्षस को राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। इतना ही नहीं, जो बोलता है भीम वह करके दिखाता है। उस राक्षस का दो टुकड़ा करता है, उसे छीन देता है, फाड़ देता है, और दो टुकड़ा करकर इधर उधर फेंक देता है। और उस समय बकासुर की एक जोर की एक छींक, भयंकर छींक वहां पर सुनाई देता है, और राक्षस का संहार हो जाता है। अब भीम अट्टहास कर रहा है वहां पर, हा हा हा, मर गया, चींटी की तरह मर गया। वाह बेटा, यहाँ पर भीम अट्टहास से पुकारता है, बोलता है कि हा हा हा, मर गया। जो राक्षस था बकासुर नाम का एक राक्षस, उसे मैं मार दिया, वो मर ही गया। कैसे मर गया? चींटी की तरह, बहुत आसानी से उसे मार दी, चींटी की तरह मर गया। वाह बेटा, अपने आप को गर्व दिखाते हुए वो अपने आप को बोलता है, वाह बेटा कितना अच्छा काम किया। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है, राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं। उसी समय वो बकासुर का जो चीख सुनते ही, जोर का चीख सुनते ही वहां पर जो लोग थे, कुछ दूसरे राक्षस थे, वो सभी भाग कर आते हैं। कांपते कांपते भीम को देखते हैं, वो कांप रहे हैं क्योंकि वहां पर बकासुर का वध हुआ है। वो भयानक चीख के साथ मर गया है। उस दृश्य को देखकर राक्षस ही कांप रहे हैं। भीम, हो तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की। अब भीम बोल रहा है कि ओहो, तुम बकासुर के सिपाही हो, तुम ही तो तुम लोग हो सिपाही, खबरदार, जो अब शरारत की। क्या तो शरारत किया तो तुम्हें भी बकासुर की तरह मरनी होगी, इसलिए खबरदार, इस तरह से मुझे चेतावनी देता है भीम। रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? और उन्हें बताता है कि सचेत करता है कि यहाँ पर रहना हो तो रह सकते हो, लेकिन बकासुर की तरह गांव वालों को तंग करे तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। इस तरह से डराता है, धमकाता है, जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को। किसी की बोल नहीं निकलती, सभी भयात खड़े रहते हैं। इस लाश को लेकर जाओ, बकासुर का जो वध किया है मैंने, इस लाश को तुम लोग लेकर जाओ। लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख लें। और बोलता है कि इस लाश को उठाकर ले जाओ और नगरी के जो प्रमुख दरवाजा है, जो बड़ा द्वार है, उस दरवाजे पर इसे डाल दो, उसे लटका दो। जी तब क्या होता है, पूरे गांव वाले इस लाश को देखते हैं और सबको मालूम पड़ता है कि बकासुर नामक राक्षस का वध हुआ है। एक राक्षस कहते हुए, जी जी अच्छा। तब सैनिक सिपाही जो थे, राक्षस सिपाही, उसमें से एक राक्षस बोलता है, वो भी हकलाते हुए घबराते हुए बोलता है, जी जी अच्छा, इस तरह से बोलता है भीम। और आदमियों को मत खाना। और फिर से एक चेतावनी देता है कि आदमियों को मत खाना, खाए तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। सभी राक्षस बोलते हैं, जी जी नहीं खाते हम लोग, भी चलो ले चलो उठाकर। तब भी बोलता है, इन सभी को तुम ले चलो और उठाकर उसे दरवाजे पर लटका देना, जो नगर का जो बड़ा दरवाजा है पर उसे टटका देना। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फाके मारता हुआ उनके पीछे पीछे आता है, पर्दा गिरता है। अब वो जो राक्षस सिपाही थे, उस लाश को डरते डरते उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसे ही उनके पीछे पीछे भीम अन्न के फाके मारता हुआ, अन्न खाता हुआ वो उनके पीछे पीछे आता है। वहां पर जो पर्दा है वह
गिरता है। तो ये रहा बच्चों बीमोर राक्षस एकांकी, बहुत ही सुंदर सा ये एकांकी है। मैं समझती हूँ आप लोगों को यह एकांकी बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए हम लोग इस गद्य में, इस एकांकी में आने वाले कुछ प्रमुख व्याकरण अंश के बारे में एक नजर डालेंगे। तो पहला जो व्याकरण अंश यहाँ पर दिया गया है वो है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरिए इसमें क्या है, मैं इसे बोलते जाती हूँ आप लोग और इसका उत्तर देने की प्रयास कीजिए बच्चों। तुम चले गए तो घर का व्यास ही चला जाएगा। यहाँ पर क्या है रिक्त स्थान में क्या भरना है बच्चों, तुम चले गए तो घर का सहारा, क्या है बच्चों सहारा, सहारा भी चला जाएगा, इस तरह से बोला गया है। और दूसरा है तुम व्यास बुझा रहे हो, क्या है इसका उत्तर है पहेलिया, तुम पहेलिया बुझा रहे हो। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि व्यास को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होता है अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। तो चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि मैं अभी तुम्हें व्यास पिलाता हूँ। तो चलिए देखेंगे मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। तो पांचवा है अभी तेरे दो व्यास किए देता हूँ। तो इसका जवाब है कि टुकड़े, अभी तेरे दो टुकड़े किए देता हूँ। तो ये रहे रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिया गया है बहुत ही अच्छे से, वो भी बहुत ही सुंदर है, पानी पिलाना। चलिए मैं शब्द पर यह मुहावरे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो पहला मुहावरा है पानी पिलाना। गृह कार्य के रूप में कर आइए बच्चों। अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।